सासाराम में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद पूरे बिहार में शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी सिलसिले में बक्सर पुलिस ने छापामारी में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई है। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि दूध के नाम पर कुछ तस्कर शराब का कारोबार कर रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने गोईपुरवा के वरुण सिंह और सोने सिंह के खिलाफ छापेमारी की। अभी हम लोग अभी अभियान चल रहा है शराबबंदी के खिलाफ में, तो हम लोग गुप्त सूचना मिली कि गोईपुरवा में ये गोईपुरवा के निवासी वरुण सिंह उनके बथान में शराब रहने की हम लोग को सूचना मिली थी, तो एक टीम गठित करके थानाध्यक्ष बक्सर के उसमें टीम गठित की गई और छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में वरुण सिंह के घर के बथान में से शराब पाया गया। इसी तरह से विदेशी शराब की खेप मिलती रही तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शराबबंदी कागज में ही सिमट कर रह गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।